आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम आवास योजना अर्बन में यूपी का डंका, देश में पहला प्रथम स्थान। डिप्टी सीएम ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में की मुलाकात। तो 2017 के बाद से अयोध्या में पर्यटकों की संख्या बढ़ी, देश प्रदेश के साथ ही विदेशों में भी छाया अयोध्या प्रेम। कांग्रेस पर मायावती ने जमकर बोला हमला, कांग्रेस ने हमेशा दलितों की उपेक्षा की। ओडिशा के लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम, सरकार ने जारी किया अलर्ट। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत की जानकारी होते ही क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा मोना के कैंप कार्यालय पर जश्न का माहौल देखा गया। वहीं पर बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेसियों ने खुशी में पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। बता दें कि लालगंज के इंदिरा चौक पहुंचकर गाजे बाजे के साथ खड़गे की जीत का जश्न मनाया गया। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर स्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। रामपुर खास माननीय प्रमोद तिवारी सांसद राज्यसभा और माननीय आराधना मिश्रा मोना जी यहाँ के विधायक कांग्रेस विधानमंडल के नेता, उनका गढ़ है कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ पर आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जीत से बहुत जश्न है, खुशी है। और इस बात की खुशी कार्यकर्ताओं में रामपुर खास में इसलिए ज़्यादा है कि खड़गे जी के प्रस्तावक, खड़गे जी के मतगणना एजेंट के रूप में माननीय प्रमोद तिवारी जी रहे। प्रमोद तिवारी जी का इतिहास ही अजय रहा, वो निर्वाचन में अजय रहे हैं। 9 बार के विधायक, 2 बार के राज्यसभा सदस्य, 12वीं बार उन्होंने ऐतिहासिक जीत अभी हासिल की। देखिए, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मतदान के द्वारा एक लंबे अरसे के बाद निर्वाचन हुआ है। अध्यक्ष का मल्लिकार्जुन खड़गे जी विजयी हुए हैं। माननीय प्रमोद तिवारी जी ने उत्तर भारत में उनके प्रचार के लिए, उनको विजयी बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई थी और लखनऊ में वो इलेक्शन के उनके एजेंट भी थे और उसके बाद काउंटिंग एजेंट भी वहाँ पर काउंटिंग के समय आज थे। एक अनुसूचित जात का व्यक्ति धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आज इस ऊंचाई पर पहुंचा है, वो देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अंबेडकर नगर के लोहिया भवन में जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सीडीओ ने सचिव और ग्राम प्रधानों के साथ लोहिया भवन में बैठक की। बैठक में योजनाओं को किस तरीके से धरातल पर उतारने हैं इसको लेकर सीडीओ ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और निर्धारित समय के अंदर सभी ग्राम सचिव को काम को लेकर अच्छा परफॉर्मेंस देने की बात कही गई। इसके साथ ही लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही गई। आज SNWM फेज 2 में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे जो 28 ग्राम पंचायतें चिन्हित हुए हैं उनके सचिव और सम्मानित प्रधानगण के साथ हमने बैठक करी है और किस प्रकार से प्रोजेक्ट को हम लोगों को धरातल पर उतारना है उसके लिए एक बैठक करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे सभी सचिव और प्रधान जो है इसमें बेहतर आउटकम होंगे। अम्बेडकर अमेठी में राजीव गांधी तिराहे के पास से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलामारन जी ने देर शाम पूरी पुलिस फोर्स के साथ लूट पेट्रोलिंग करते हुए गांधी चौक तक पहुंचे। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने भीड़ भाड़ वाले जगहों पर पेट्रोलिंग कर आगामी दीपावली त्योहार के को लेकर व्यापारियों एवं आम जनमानस से सुरक्षा का आश्वासन दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कस्बे में बड़े ज्वेलर्स की दुकानों में पहुंचकर उनकी CCTV कैमरे को भी चेक किया और उनको सुरक्षा का भरोसा दिलाया। ये फूड पेट्रोलिंग तो
प्रशासन का निर्देश है सभी अधिकारियों डेली शाम को फुट पैट्रोलिंग करने के लिए, और उसके अलावा भी अभी दिवाली और त्यौहार को समय है, इसलिए मेरे द्वारा आज अमेठी कस्बे में जहाँ भीड़ भाड़ जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ मेरे द्वारा फूड पैट्रोलिंग किया गया है। फूड पैट्रोलिंग के दौरान पब्लिक से भी बात किए थे, व्यापारी से भी बात करके उन लोगों से ट्रैफिक का वो नियमों का अनुपालन कराने के लिए भी पब्लिक को बताए थे। खबर औरैया जिले से है जहां पर 40 साल पुराना सेंगुर नदी का पुल किसी बड़े हादसे को दावत देता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक एक तरफ पुल की सड़क में गड्ढे के साथ साथ सरिया दिखाई पड़ने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ पुल के किनारे लगी रेलिंग टूट चुकी है। इसके साथ ही ये पुल कई गांवों और कस्बों के आवागमन का जरिया है, इसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। हाँ, वो मेरे संज्ञान में है। हम लोग कल ही उस रोड का दौरा डीएम सतोरी सर हम लोगों ने किया है हमारे स्टाफ के साथ में। उस पुल का हमने इसमें बना के भेजा हुआ है, रेलिंग वगैरह काम तब तक टेम्प्रेरी हम लोग उसमें लगवा देंगे, सब पैरामीटर्स लगा देंगे रेलिंग में, रस्सी या कुछ ऐसा बदला के या टेप वगैरह, जिससे कि एक्सीडेंट ना होने पाए, और जैसे ही पैसा सेंक्शन होता है हम उस पुल की मरम्मत करा देंगे। तब तक जो गड्ढे की स्थिति है, गड्ढों की स्थिति ये है कि हम उनके कंक्रीट की लेयर डलवा के नीचे ऊपर से बिटुमिनस पैच करवा दें, जिससे कि यातायातों को इशू ना हो। और ये हम काम चूँकि बरसात के बीच में काम शुरू कराया था, बंद हो गया था, लेकिन ये अब एक दो दिन में काम शुरू हो जाएगा, और दिवाली से पहले पहले हम ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको पैच करवा देंगे। ये बताइए, ये सेंगन नदी है जो ये रेलिंग टूटी हुई है, ये कब से टूटी पड़ी है लगभग? तो इससे मतलब कितने ये रोड कितनी चलती है? ये रोड बहुत चलती है और इस पर हादसा होने के बहुत ही चांसेस रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा रोड ये चलती है और सिंगल रोड तो है ही, और प्रशासन ने इसका कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं कर रहा है। गोंडा में संघ प्रांतीय चिकित्सा संघ के अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर अजय प्रताप सिंह का नाम सामने आया है। बता दें कि इस बार अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय प्रताप सिंह डॉक्टरों के साथ हो रहे शोषण को लेकर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रत्याशी बने हैं। जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों के साथ हो रही समस्याओं को शासन तक पहुँचाना और समस्या का समाधान निकालना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। हमारे यहाँ प्रांतीय चिकित्सक संघ जो कि दो साल से कोई चुनाव नहीं हो पाया था कोविड की वजह से, तो यहाँ की कार्यकारिणी भंग थी। प्रदेश इकाई का चुनाव 28 को तय हुआ है और सबको निर्देश मिला है कि 28 से पहले अपनी अपनी इकाइयों को सक्रिय कर लें। इसी सिलसिले में आज 19 शाम 5 बजे तक नामांकन है और 21 तारीख को प्रातः 10 से 5 बजे तक वोटिंग होगी। मैनपुरी में दिवाली से पहले अवैध पटाखों के खिलाफ छापेमारी करते हुए दो गोदामों को सील किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से आसपास की दुकानों में भी सघन चेकिंग की गई, जहां से 10 पेटी अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। बता दें जिन गोदामों को सील किया गया है उनकी विस्फोटक रखने की भंडारण क्षमता 4 लाख किलोग्राम थी, लेकिन जाँच के दौरान मानक से अधिक होने पर कार्रवाई की गई। शासन के निर्देशों पे, और जैसा कि हमको पता है कि दिवाली का फेस्टिवल अराउंड है, इस पे कोई भी जनहानि ना होने पाए, प्रतिबंधित क्रैकर्स ना हो, पोल्यूशन नॉर्म्स और फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फुल्ली फॉलो किया जाए, इसके लिए छापामार कार्रवाई की जा रही है। यहाँ मैनपुरी में स्थित जो गोदाम है और जो शॉप्स हैं उनको हमने चेक किया है। कई शॉप्स पर हमें विदाउट नीरी लोगो एंड विदाउट एनी QR स्कैन, यानी लोकल क्रैकर्स जो बैंड हैं वो मिले हैं। एज अ रिजल्ट हमने उन्हें कॉन्फिस्केट किया है। जो गोदाम पे चेक किया गया है वहाँ पे भी हम लोग को कई सारे ऐसे मिले हैं जिन पे लोगो जो है वो स्कैन नहीं हो रहा है। एज अ रिजल्ट हमने उसको फिलहाल क्लोज कर दिया सो दैट आवर टीम कम्स एंड प्रॉपर चेकिंग हो सके। नोएडा सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 100 की एक सोसाइटी में कुत्तों के हमलों से घायल 7 महीने के बच्चे की सोमवार देर रात को उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस घटना से नाराज कई स्थानीय लोगों ने सोसाइटी के बाहर प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इसके साथ उन्होंने मांग की कि सोसाइटी को डॉग फ्री किया जाए।
हमने सारे रेजिडेंट्स ने इकट्ठे होके कैंडल मार्च किया है. इट वॉज अ पीसफुल मार्च उस बच्चे के लिए, 7 महीने के बच्चे के लिए, जो कि इस कि जिसका कसूर भी नहीं था और वो इस दुनिया से चला गया. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अटैक हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए बीइंग द रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी. इट्स सच अ शेमफुल एक्ट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम लोग के बार बार सोसाइटी में इंसिडेंट्स होते रहे. अकॉर्डिंग टू द डेटा इन द लास्ट 12 मंथ्स 18 to 20 इंसिडेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड, बट किसी की FIR नहीं है. रिपोर्ट आज हमने लोटस बुलेवर्ड में करीब हजारों से ऊपर रेजिडेंट्स ने, बच्चों ने, सब ने मिलकर के कैंडल मार्च किया है. जो बच्चा 7 महीने का जिसको डॉग अटैक में बच्चे की जान गई है, बहुत ही दुखद घटना थी और हम सब ने आज उसकी आत्मा की शांति के लिए एक कैंडल मार्च निकाला है और अपना प्रोटेस्ट नोएडा अथॉरिटी और सारी अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में जो जिम्मेवार हैं इस घटना के लिए. हमारी अपील है नोएडा अथॉरिटी से, ऋतु महेश्वरी से जो CEO हैं यहाँ की, कि वो इमीडिएटली यहाँ से डॉग्स को, सारे डॉग्स को बाहर निकालें और जो उनकी जगह है शेल्टर में वहाँ भेजें, दोबारा इस तरह की घटना ना होने पाए. मैनपुरी में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध ढंग से जमा किए हुए पटाखों को जब्त किया. बता दें कि पुलिस ने इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और आरोपियों के पास से लाखों रुपए की कीमत के पटाखे बरामद किए गए हैं. जानकारी के मुताबिक बिना लाइसेंस के ही पटाखे बनाने का कारोबार चल रहा था. निकट में त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए अवैध ढंग से जहां भी पटाखे संग्रह किए गए हैं उसके विरुद्ध पूरे जनपद में अभियान चलाया जा रहा है. उस अभियान के तहत आज कोतवाली पुलिस द्वारा क्षेत्राधिकारी सिटी के नेतृत्व में 10 कार्टन से ज़्यादा पटाखे बरामद किए गए हैं. लाखों रुपए के ये कीमत के हैं. अभी अन्य जगह भी हम छापेमारी कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि कहां कहां ये अवैध ढंग से क्रय करके रखे गए हैं. अलीगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के भुजपुरा इलाके में एक हार्डवेयर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई. आग लगने से फैक्ट्री में लाखों रुपए का नुकसान हो गया. फिलहाल आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गनीमत की बात ये रही कि जिस वक्त आग लगी तो फैक्ट्री में कोई भी नहीं था. अभी बाद में पता चलेगा कि तो हो सकता है बिजली की लाइन शॉर्ट कट गई. इन्होंने ये बताया कि फैक्ट्री बंद थी और फायर सर्विस की गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ आई जो आग पर नियंत्रण किया. कारण पता लग पा रहा क्या है? कारण वही है, शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है. फैक्ट्री बंद थी. अनुमान नुकसान का कुछ बताया? नुकसान का आकलन भी ये मालिक लोग ही. तो कैसे आग लगी, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हुआ भैया, हम तो बंद करके जा चुके थे. अच्छा, तो पैकिंग में आग लगी, उससे आग भड़क गई पूरा हॉल. तो किस चीज़ की, क्या क्या बनता था? हार्डवेयर भैया, लॉक्स मॉर्टेस. कहाँ पर थी फैक्ट्री? कहाँ पर थी, किस जगह पर? ये भुजपुरा चौराहे पर. तो कितना नुकसान हुआ लगभग? कुछ नहीं पता भैया, नुकसान का तो पता पड़ेगा सुबह. तो आग का कुछ पता लग पा रहा किस तरह से आग लगी? हाँ, वही शॉर्ट सर्किट का लग रहा है, कुछ भी नहीं पता. अब तो यही लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, उस वजह से आग लगी. अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र में तमौली पाड़ा इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक का 2 दिन पुराना शव बंद कमरे के अंदर बेड पर पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. जानकारी के मुताबिक युवक 5 साल से अकेले किराए के मकान में रहता था. इनकी मम्मी का फ़ोन आया था हमारे पास में कि ऐसे ऐसे मैं कमरा पे जाके देखो. उन्होंने एड्रेस दिया था हमें कि मैं जाके देखो क्या पोजीशन है, कुंडी लग रही है क्या है. जब हमने आके देखा तो जिस कंडीशन पे है उसी कंडीशन में किवाड़ वाड़ सब खुली हुई मिली हमें. हाँ, अकेले ही रहते थे. जब पहले ज्वेलर्स की दुकान थी इनकी औरंगाबाद में. अब क्या करते थे? अब की ना मालूम हमें क्या करते थे. ना हमें कोई जानकारी ना, कैसे कहा वो, कब वो, कहा वो, कैसे वो, जो हमारी कोई जानकारी ना. उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV.